दोस्तों सुबह सुबह का वक्त है और अर्ली इन द मॉर्निंग एक कॉल आ गया, क्योंकि अब ठंड बढ़ चुकी है और धीरे धीरे सांप जो है सुप्तावस्था में जाने को तैयार है और टेम्परेचर रेगुलेट करने को एक बेहद ही नाराज इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा एक घर पर निकल आया था और इस वक्त हम इसे छोड़ने नज़दीकी जंगल में आए हैं। तुरंत ही इसे बाहर निकालेंगे, नाराज लग रहा है। देखा आपने जैसे ही दीपक जी ने हुक अंदर प्लेस किया है, ये तुरंत ही अपना हुड निकाल कर बाइट करने का प्रयास कर रहा है, डराने का प्रयास कर रहा है। ये ही वो सिंबल है या सिग्नल है, अगर बेहतर तरीके पर कहा जाए यही वो सिग्नल है जो हर स्पेक्टिकल कोबरा या कोबरा प्रजाति देती है, डराती है, समझाती है कि आप हमसे दूर रहें, हम बेहद खतरनाक हैं आपके लिए। क्या लगता है कमल जी, आप भी मौजूद थे जिस वक्त इसे निकाला गया और इस वक्त आप इसके पोस्चर को देख के क्या फील कर रहे हैं कि क्या ये हमें कोई साइन दे रहा है कि दूर रहें? बिल्कुल अक्षय, सांप जो होते हैं वो ऐसे ही अनायास या बिना कारण के लोगों को परेशान नहीं करते या हमला नहीं करते हैं। जब उन्हें खतरा महसूस होता है तभी वो अपना डिफेंसिव पोस्चर अपनाते हैं और इस वक्त जिस कोबरा को हम देख रहे हैं वो काफ़ी डिफेंसिव लग रहा है और अपने बचाव में वो हर वो काम करने को तैयार है अगर उसे ज़्यादा छेड़ा जाए तो। जी, और इस वक्त अगर इसके नज़दीक जाया जाए या इसका हेड होल्ड करने का प्रयास किया जाए या कुछ भी और ऐसा किया जाए जिससे ये परेशान ज़्यादा महसूस करे, तो ये डेफिनेटली बाइट करेगा और ये ड्राई बाइट नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये वेनम को रिलीज़ कर सकता है। और इसकी आइडेंटिटी बहुत आसान है दोस्तों, आप पहले तो इसके हुड से पहचान सकते हैं। दूसरा, मैं प्रयास करूँगा कि पीछे का जो इसका मार्किंग्स है वो आपको दिखाएं, लेकिन वो तब दिखाएंगे दोस्तों जब ये जाएगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम उस तरफ घूमेंगे तो ये अलर्टनेस की मोड में है और संभवतः ये हम पर अटैक कर सकता है। पानी के नज़दीक छोड़ने का कोई ऐसे स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस हम आ रहे थे तो कलकल बहता ये नाला दिख गया और हम इसे छोड़ने के लिए नज़दीकी इलाके में आ गए हैं। न्यूरोटॉक्सिक वेनम को ये पोजेस करता है दोस्तों, और बाइट अगर हो जाए तो सबसे अहम चीज़ है हॉस्पिटल जाना बिना किसी बाबा झाड़फूक के पास जाए हुए। झाड़फूक करवाने में ही भारत में अधिकतर लोगों की डेथ होती है। एक अनऑफिशियल रिकॉर्ड अगर कहा जाए, ऑफिशियल रिकॉर्ड कहा जाए तो तकरीबन 85,000 लोगों की जान जो है पिछले वर्ष सर्पदंश से गई थी और 40,000 के लगभग लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने अंगों को खोया है, यानी कि वो अपंग हो गए हैं। तो और इसमें भी दोस्तों एक बड़ा आंकड़ा उस वर्ग का है जो आजकल खुद को एक्सपर्ट कहलाना चाहता है सांपों को, सांपों के प्रति उनका प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि वो खुद को स्नेक लवर या जो भी कहते हैं पता नहीं, लेकिन उनकी हरकतों से सांपों के प्रति प्रेम नहीं झलकता है अभी तो दुश्मनी ज़रूर झलकती है, जहाँ पर वो सांपों का चुम्बन लेना, हाथों में लेना, गले में डालना, ये सारी चीज़ें करते हैं बजाय इसके कि उन्हें सुरक्षित निकाल कर जंगलों में छोड़ दिया जाए। दोस्तों इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ सामाजिक रूप से ख़राब है बल्कि कानूनन भी ये गलत है। आपको 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 25,000 तक का जुर्माना आप पर लग सकता है अगर किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी आपकी हरकतों को एविडेंस बनाते हुए। तो दोस्तों अगर इस कार्रवाई से आपको बचना है तो कृपया आप हरकतें ऐसी ना करें जो आपके खिलाफ हों। सांपों को अगर आप रेस्क्यू करते हैं तो रिलीज़ का वीडियो अवश्य बनाएं। रेस्क्यूज़ का वीडियो आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, लेकिन रिलीजिंग का वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो सांप रेस्क्यू किया है उसे आप रिलीज़ भी कर रहे हैं या नहीं। कई जगह पर देखा गया है कि झोला भर भर के सांपों को छोड़ा जाता है, एक साथ डब्बा भर भर के सांपों को छोड़ा जाता है, वेट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको मिलता है आप उसे नज़दीकी सूटेबल हैबिटेट में छोड़ें, अगर संभव नहीं है तभी आप बाहर के इलाके में उसे छोड़िए। नज़दीकी 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में ही छोड़ना SOP है जो
स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आपको 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में ही छोड़ना चाहिए जो उसके हिसाब से सूटेबल हो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप डिपार्टमेंट से परमिशन लेके उसे उसके सूटेबल एनवायरनमेंट में छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करें टीम एशियन को। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।